हेलो गाइज, व्हाट इज़ अ माय नेम प्रशांत जी, ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रशांत समीर। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ऐसा है, टुडे इज़ अवर डे 3 और राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन और गोकुल, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डे। और यहाँ पर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ही था और मेरे गोप्रो में ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि मैं अपना जो ट्राईपॉड था वो नहीं लगाया मैंने गोप्रो पर, और मेरा जो ट्राईपॉड था वो कल के दिन ही घुमा था। मेरे को जितना कंफर्म याद है मैंने उस ट्राईपॉड को कहीं पर रखा नहीं था, मैं शायद से उसको टैक्सी में रख के भूल गया था। और मेरे को जितना कंफर्म है कि मैं रख कर ही भूला था, बट मैंने टैक्सी वाले से पूछा पर उसने मना कर दिया कि उसने नहीं देखा। और वो तो मेरा बैड लगता है कि मैं उसको रख के भूल गया, उस भाई ने खुद ने रख लिया, बट इट्स ओके। और अब हम आ गए मथुरा से वृंदावन, जो कि बस 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए मैं आपको यही वृंदावन घुमाता हूँ। ये इस जगह से यहीं पे शेष नाग आए थे और यहीं पे ही काल सन स्पर्श किया था और यहीं पे ही शेष नाग आए थे। ये इसे यहीं से पार करने हाँ, पहले पुल नहीं हुआ करते थे, पहले पुल नहीं था। पहले से गोकुल इधर थोड़ा था। अच्छा, ये जो डैम है यहीं पर पिता वासुदेव ने बालकृष्ण को यमुना नदी पार करवाकर नंद भवन में पहुंचाया था। सामने गोकुल है, गोकुल जो यहाँ पे हाँ, यहीं पे पूतना वध हुआ था, यहीं पे युग माया थी, यहीं पे बड़े भैया का नाम बल्लव जी था। गावी मंदिर यहीं पे, नंद महल भी यहीं पे। हाँ, चारों मंदिर है, चारों मंदिर अलग अलग डिजाइन में डायरेक्शन में। और वो जो नंद महल जो यहाँ पे था कल गए थे, वो वाला वो नंद महल पे है। अच्छा, दो थे, दो वो उनके फ्रेंड का था। अच्छा, का था जो आप गए थे कल। हाँ, वो इनका मेन है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कामना पूरी हो गई है, तब पहुंचे यहीं से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। मैया यशोदा ने सोवर का कपड़ा धोया है, सामने कदम का पेड़ है, आपके ऊपर भी कदम का पेड़, अगर बैठ के बंसी बजाए जब से नाम बंसी वाला, ये गऊ घाट है, माथा लगा माथा लगा तो ये जो अभी हमने देखा था, ये कदम का पेड़ था। लोग बोलते हैं कि जहाँ पे आपको अगर आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आपको वहाँ पे जो चुनरी है वो आके बांधनी पड़ती है, कि आप एक बार गए, आपकी मनोकामना जो आपने मांगी थी तो आप चुनरी घर ले आते हो, और फिर उसके बाद जब पूरी होती है तो उसको लाके यहाँ पे कदम के पेड़ पर बांधनी होती है। और अभी हम आगे आ रहे हो घूमने, तो आगे देखने घूमने तो नहीं। भगवान का जन्म मथुरा जेल खाने के अंदर हुआ। हाँ। उनके पिताजी आधी रात के समय यहाँ बसदेव जी को यमुना जी के किनारे गोकुल लेके आए, यहाँ नंद यशोदा के घर में देखे गए हैं। यशोदा के लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा था युग माया, उसको वापस मथुरा लेके गए हैं, वो राजा कंस के हवाले किए है। राजा कंस उसको मरवाने लगा है तो वो आकाशवाणी होकर के जवाब देती है, मामा कंस तू मेरे को क्या मरवाता है, तेरे मारने वाला तो जो है गोकुल में पैदा हो चुका है, जो झूले में झूल रहा है वही झूले का मंदिर है। इस दरवाजे का नाम है कृष्ण द्वार, कृष्ण द्वार। ये शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ सबसे पहले शंकर भगवान आए थे गोकुल भगवान के दर्शन करने के लिए, और संत का भेष रख के आए थे। दरवाजे पर पहुंचे हैं नंद यशोदा के घर पर, अपना ढुलनी बजाने लगे हैं। यशोदा माई बोली बोली भिखारी मेरे दरवाजे पे आया है, वो भिक्षा का थाल लेके बाहर आई है, शंकर भगवान को देने लगी है। शंकर भगवान बोले मुझको भिक्षा नहीं चाहिए, मैं लाला के दर्शन करने आया हूँ। यशोदा माँ बोली है मेरा लाला छोटा है, डर जाएगा, आपके गले में सर्प है, शरीर में लगा हुआ है, मैं लाला के दर्शन नहीं दूँ। शंकर भगवान बोले मैं दर्शन करके जाऊंगा। उन्होंने अपनी धुनी रमा दी है, 3 रात यहाँ तपस्या की है। तब शंकर भगवान को गोदी में लेकर के यशोदा माता ने दर्शन दिए हैं, और यहाँ से शंकर भगवान गए हैं। इस घाट का नाम है नंदघाट। मथुरा के अंदर मामा कंस को मार करके भगवान ने विश्राम लिया था, उस घाट का नाम है विश्राम घाट। यहाँ बाबा नंद बसदेव जी जब भगवान को लेके आए हैं, तो यहाँ भगवान को लेके आए हैं तब यहाँ इस नंद घाट पर विश्राम लिया, जब से इसका नाम पड़ा है नंद घाट। बाबा नंद ने भगवान की खुशी में 80 वर्ष भगवान की खुशी में 9 लाख गायों का दान लिया, जब इसका नाम गोकुल पड़ा, मथुरा की बेटी और गोकुल की जाए, जिसका अरब रुपये दूसरे का 14 लोग हैं, उनके यहाँ लड़की के साथ ही आपस में संबंध हो जाता है।
और यहाँ गोकुल की जो गाय है खिलाने को नहीं है, तो गौशाला है बाबा नंद की, वहाँ दे देते हैं, बिक्री नहीं होती है यहाँ गाय। तो बसदेव जी जब भगवान को लाए हैं तो ऐसे चंपा के किनारे किनारे यहाँ गोकुल पहन कर समय था, बरसात पड़ रही थी, बिजली तड़प रही थी, यह गाय मगर राजा कंस की डर की वजह से इस तरह से भी ये बच्चा बचना चाहिए। वहाँ सामने बसदेव घाट अपने हाथ में लकड़ी थी, पैरों में खड़ा हुई थी, वो वहाँ छोड़ी है, छोड़ करके वो जमुना माई में घुसने लगी है। जमुना माई भगवान के चरण छीने के लिए मचलने लगी है। बसदेव जी घबराए, इसमें मैं भी डूब जाऊँगा, मेरा बालक भी डूब जाऊँगा, कोई लो ऐसा पुकार बसदेव जी ने किया है। जमुना माई जब मछली है तो भगवान ने पीछे से जो है चरण लटका है, जमुना माई ने चरण छू करके गोटू गोटू पानी का रास्ता दिया, यहाँ आकर के विश्राम लिया, विश्राम लेकर के ऊपर नंद महल में दी गई। नंद महल में 60 वर्ष की अवस्था में जसोदा की लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम योग माया था, उसको वापस मथुरा ले गए, जिसने मामा का उसको जवाब दिया था, मामा का तू मेरे को क्या मरवाता है, तेरे मानने वाला गोकुल में अपना ले चुका। ऊपर चले गए नंद जी के महल में, वहाँ बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, सब जगह पक्का है, जहाँ आप बैठ करके भगवान का झूला झुलाएंगे वो जगह कच्ची है, जहाँ भगवान खेले थे और मुख से मिट्टी खाई थी, वहीं से ट्रस्ट का मंदिर है, मैनेजमेंट ट्रस्ट का मंदिर है, वहीं भगवान का भोग होता है, एक जगह सब जगह हाथ जोड़ रहे हैं, वहीं से प्रसाद मिलता है घर में जाने के लिए, वहीं से मंगल वस्त्र मिलता है, जो पैसा दान का आता है उससे हजारों गऊ हैं, ब्राह्मण हैं, संत लोग हैं, ये वही विश्राम घाट है जहाँ पर वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को जब यमुना पार करवाई थी और यहाँ पर आके विश्राम किया था विश्राम घाट पर, और यहीं पर हमने यमुना जी में बोटिंग भी की, और जस्ट अभी हम यमुना जी में बोटिंग करके आए हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। लाइक उसने बस क्या किया कि यहाँ से लेके यूँ करके बस घुमा के लिए आया, मतलब राउंड सर्कल करवा के लिए आया बोटिंग के नाम पर, चल ठीक है चलता है। और अभी हम आए हैं रमन रेती जो है वो सामने की साइड है, और इसके इस साइड जस्ट सामने की साइड यहाँ पे जगह है, इस जगह का मेरे को नाम नहीं पता है, बट इसको जो एरिया है इसमें यहाँ पे बहुत सारे हिरण हैं, तो इन सबको सब वो खिलाते हैं, मतलब जो खिलाते हैं वही देखो ये सब खिला। लाओ ले बेटा, खाओ ले बालक, अब हम आ गए हैं रमन रेती में। रमन रेती वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण बचपन में माटी से खेला करते थे, और आप देख सकते हो चारों तरफ लोग माटी में खेल रहे हैं और साथ में लोट भी लगा रहे हैं। एक और मान्यता है, यहाँ पर कोई भी माटी से जितना बड़ा घर बनाता है उसको श्री कृष्ण उतना ही बड़ा घर देते हैं, तो मैं भी श्री कृष्ण जी का नाम लेके एक घर बना लेता हूँ। ये प्रशांत समीर अपना घर बनाते हुए, ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी से जो जितना बड़ा घर बनाता है उसका एक्चुअल में उतना घर बन जाता है, और बना को पीछे दिख रहे होंगे प्रशांत के पीछे लोट लगाते हुए। और रमन रेती के बाद अब हमारे 84 खंबा मंदिर में, जो कि ये रहा 84 खंबा, यहाँ पे गेट एंट्रेंस है, तो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ अंदर कैसा दिखता है। अंदर जाके तो यहाँ पे सब बंद कर रखा है, मंदिर उस साइड है, वहाँ पे मंदिर है, ये सारे खंबे, ये सामने की साइड आपको दिख रहा होगा ये 84 खंबा मंदिर है, और सामने भगवान खुद विराजमान है, और इस मंदिर में मैंने खुद ने खंबे गिने थे 84 खंबे, जो फर्स्ट टाइम बोलते हैं फर्स्ट टाइम गिने पर 84 मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर आप गिनोगे तो एक ज़्यादा और एक कम ही मिलेगा, तो ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम जब मैंने गिना था तो 84 पूरे थे, उसके बाद एक ज़्यादा आया था, तो वैसा हुआ था।
और 84 खंबा के बाद अब हम आए ब्रह्मांड घाट में। आप देख ब्रह्मांड घाट हम आ गए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है उस साइड पार्किंग साइड शॉप से, और यहाँ से ऐसा पूरा मंदिर मंदिर उस साइड है, और ये है